टूट गए खेल के सारे रिकॉर्ड, भारतीय शेरों ने पलट दिया 17 साल का इतिहास, आखिर 12 गेंदों की पूरी कहानी, सूर्या के कैच ने पलट दी हारी हुई बाजी। क्लासेन की तबाही देखकर कांप गए थे रोहित शर्मा, अटक गई थी विराट कोहली की सांस, फिर बुमराह की दहाड़ से गूंजा स्टेडियम, अफ्रीका के जबड़े से छीनी जीत। पहले विराट कोहली ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, फिर हार्दिक पांड्या ने दिखाई ताकत, जीतने के बाद जश्न में डूबा पूरा हिंदुस्तान। मैदान में चट्टान बनकर खड़े हेनरी क्लासेन सैनिक ने अकेले दम पर पूरे मैच को ही पलट दिया था। भारत की पूरी टीम कांपने लगी थी, हजारों दर्शकों ने भारत के हार मानते हुए मैदान छोड़ दिया था, लाखों लोगों ने अपने टीवी बंद कर दिए थे। पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार को मान चुकी थी, लेकिन आखिरी 12 गेंदों में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे अफ्रीका के हर खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी में याद रखेगा। आखिर 12 गेंदों की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में मैच की कहानी देखें। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा के इस फैसले पर पूरी दुनिया हैरान थी। कप्तान रोहित के साथ घायल शेर की तरह विराट कोहली मैदान में आए थे। विराट ने पहले ही ओवर में 3 चौके जमकर कोहरा मचा दिया, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने केशव महाराज के कैच थमा दिया था। इसी ओवर में ऋषभ पंत भी केशव महाराज का शिकार बन गए। एक ओवर में लगातार 2 झटकों के बाद पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी 3 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर चले गए। 23 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम संकट में थी, लेकिन विराट कोहली आज सीना तान कर खड़े थे। सूर्या के आउट होने के बाद विराट कोहली ने अक्षर पटेल को मैदान में भेजा। अक्षर पटेल ने 4 छक्के जड़कर पूरे मैच की कहानी पलट दिया। अक्षर पटेल ने 47 रनों की शानदार पारी खेली। आज शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया। दुबे ने 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन ठोक दिए। सबसे बड़े मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, 59 गेंदों में 76 रन बनाए। कोहली ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे। भारत ने 20 ओवर में 176 रन का टारगेट बनाया। ऐसा लग रहा था कि भारत गेंदबाजी के दम पर आसानी से मैच को जीत जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के शेर भी इतिहास रचने की कसम खा कर आए थे। ओपनिंग में आए रीजा हेंड्रिक्स को 4 रन के निजी स्कोर पर बुमराह ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद एडन मार्करम को अश्वदीप ने पवेलियन लौटा दिया। आखिर शुरुआत में साउथ अफ्रीका को 2 बड़े झटके लगे थे। इसके बाद ट्विस्ट निर्दिष्ट के चलते 31 रनों की पारी खेलने के बाद अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया, लेकिन इसके बाद क्विंट डी को और हेनरिक क्लासेन दीवार बनकर खड़े हो गए और आसानी से चौके छक्के उड़ाने लगे। रोहित शर्मा के साथ भारत की पूरी टीम के पैर कांपने लगे थे, लेकिन अर्शदीप ने डी को 39 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद क्लासेन का ऐसा तूफान आया, पूरे हिंदुस्तान के आंसू छलक गए। क्लासेन ने अक्षर पटेल के 1 ओवर में 24 रन ठोककर तबाही मचाई थी और तेज गेंदों में क्लासेन ने अर्धशतक जड़ दिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्लासेन का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। उसके बाद मिलर भारत के लिए खतरा बन गए, लेकिन हार्दिक पांड्या का गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिलर का संभव कैच पकड़कर पूरे मैच को पलट दिया। आखिर 12 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 20 रन चाहिए थे, लेकिन 19 ओवर में अश्वदीप ने सिर्फ 4 रन दिए और 20वां ओवर लाकर हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 20 रन देकर भारत को 7 रनों से हारी हुई बाजी को जिता दिया। 17 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। जीतने के बाद पूरा देश जश्न में डूबा है। आप भी भारत की जीत पर बधाई दीजिए और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए।